पंकज प्रजापति स्टूडियो प्रेजेंट्स, पंकज स्टूडियो प्रेजेंट्स। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पंकज प्रजापति स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। आज आप पंकज प्रजापति स्टूडियो के माध्यम से देखेंगे नाथ बाबा की कथा श्री कृष्ण शास्त्री की आवाज़ में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो संत हमारी आत्मा और संत हमें सिरमान, सबको सीता राम है सो अपने अपने ठार। संत बीज पलटे नहीं चाहे युग जाए अनंत, नीच ऊंच घर उपजे ए जियो ए संत का संत। तो जनपद फिरोजाबाद में मलापुर धाम लला, सिरसा गंज के पास में सुसुंदर नाथ का धाम। कि तुम्हें संत कहूं या अवतारी, तुम्हें ब्रह्म कहूं या तपुधारी, मुझे भव से पार लगाओ मेरे नाथ बड़े हितकारी। तो मैं संत कहूं या अवतारी, तो मैं ब्रह्म कहूं या तपुधारी, मुझे भव से पार लगाओ मेरे नाथ बड़े हितकारी। मलापुर सुंदर स्थान पर पहुंच करके भक्त श्री नारायण नाथ जी के चरणों में शीश झुका करके कहता है कि हे नाथ महाराज जी, मुझे अपनी शरणागत दो। और क्या बोला? गर कृपा आपकी होवे, लंगड़ा पर्वत लंग जाए, लला विनीत कर कृपा आपकी होवे, लंगड़ा पर्वत लंग जाए, गूंगा भी मुख से बोले, बाजों को लाल मिल जाए, हे महाराज तुम्हारी शरणागति आने में जन्माओं की गोद वीरान पड़ी थी, उनमें हरियाली आई है। कोई दर पे आए सवाली, अरे भरते झोली खाली, कोई दर पे आए सवाली, अरे भरते झोली खाली, मुझे भव से पार लगाओ मेरे
हितकारी। तुम्हें संत कहिया अवतारी, तुम्हें ब्रह्म कहिया तपुधारी, मुझे भव से पार लगाओ मेरे हाथ बड़े हितकारी। और वक्त कहता है नाथ महाराज कर कृपा आपकी होवे, निर्धन को धन मिल जाए, अंधा भी ने ना पाए, निर्बल को बल मिल जाए, तुम्हारी कृपा से अंधों के नैनों में रोशनी आ जाए। हे भगवान, तुम्हारी कृपा से गरीब भी नींद बलवान बन जाए, निर्धन भी धनवान बन जाए, ऐसी तुम्हारी कृपा हमने सुनी है। कर कृपा आपकी होवे, निर्धन को धन मिल जाए, अंधा पीने ना पाए, निर्बल को बल मिल जाए, तुम भरते झोली खाली, कोई दर पे आए सवाली, तुम भरते हो झोली खाली, कोई दर पे आए सवाली, मुझे बाबू से पार लगाओ मेरे नाथ बड़े हितकारी। तुम्हें संत कहिया अवतारी, तुम्हें ब्रह्म कहिया तपुधारी, मुझे भव से पार लगाओ मेरे नाथ बड़े हितकारी। परम पूज्य श्री श्री 1000 श्री नारायण नाथ जी महाराज जी के चरण कमलों में हमारा कोट कोट प्रणाम। मैं श्री कृष्ण शास्त्री उर्फ बंसी वाले ग्राम कन्याहार, संपर्क सूत्र है 97-58-27-62-14। ये नवीन प्रोग्राम आपने हमारा सीडी के माध्यम से श्रवण किया और किस तरह से मलापुर धाम पर आकर के श्री नाथ जी ने भक्तों को भगवान के प्रति प्रेरित किया, और कहां के रहने वाले थे ये नाथ महाराज, इनके जीवन परिचय पर हम प्रकाश डालेंगे। तो आ जाइए श्रोताओं, अरे जिला मुजफ्फरगढ़ में दोरट्टा, गांव बड़ो सुखदाई, पुन्नु राम थे पिता नाथ की मात बहरवा बाई,
नाथ बैर बाबाई, नाथ की मात बैर बाबाई। और पुनु राम थे पिता नाथ की मात बैर बाबाई। अरे मातु पैर बाबाई सुनो जी, पांच पुत्र बलधाई। और बहना तीन अति आगन में आनंद से रहे भाई। आज महाराज और नाथ बाबा हैं, जीवन काल में इनके पिता का नाम पुन्नु राम था और इनकी माता का नाम बहर बाबाई था। पांच भाई थे, तीन बहनाएं थी। समय गुजरता गया, धीरे 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 नाथ महाराज के जो पिता थे वो दुकान चलाया करते थे। बाल अवस्था में नाथ महाराज के दर पे एक संत का आगमन हुआ है। और जब संत का आगमन हुआ, नाथ बाबा जी उस समय बहुत छोटे थे। स्वामी जी दर पे बैठे हुए देखे तो नाथ महाराज खेलते कूदते चले आ रहे हैं। छोटा बालक समझ करके बाबा जी ने क्या किया सुना। अरे खेलत कूदत नाथ जी हुवन पे वीरन आए। और लग छोटो सो रूपरे का संतन गोदय उठाए। महाराज बीत जाए चाहे जो गयन, और नीच ऊंच करू बजाई तो होई संत कोई संत। वारे बाबा जी वारे स्वामी जी, अच्छे समय पे तुम तो आए गए हो। मेरे मन में उठती है लोज बहरे बाबा जी, अच्छे समय पे तुम तो आई आए हो। जैसे ही नाथ बाबा ने बाल अवस्था में संत का पदार्पण अपने दर पर देखा हुआ, वो जैसे ही चरणों में जाकर के शीश झुकाया, शीश झुकाने के बाद उन्होंने गोद में उठा लिया। वही संत दो चार दिवस नाथ जी के यहाँ रहते, ऐसी अमिट छाप छोड़ी। पता नहीं पूर्व जन्म का क्या संस्कार। एक दिन स्वामी जी वहां से चल दिए हैं, नाथ बाबा को पुचकारा है। बाल अवस्था में नाथ बाबा ने उन्हीं के पगों पर चलने की कसम मानो खा ली। स्वामी जी वहां से चले गए, नाथ को घर आंगन सूना सूना लगने लगा। और क्या सोचने लगे महाराज जी कि संत वहां से रम गए, इतना तो बे बेचे चौरी को देखते सो व्याकुल दोनों ने। स्वामी जी तो कुछ दिन रहने के बाद वहां से चले गए। और नाथ महाराज ने जब उनकी अनुपस्थिति अपने आंगन में देखी तो कलेजा टूट गया। बाल अवस्था में जो पिता दुकान चलाते थे
कुछ धन अपने पिता की तिजोरी से उन्होंने निकाला और संत का वेश बना करके नाथ जी ने कहां के लिए गमन किया सुनो। अरे संत को वेश बनाई रे मन में अति हर्षाई रे और छोड़ दयो घर द्वार नाथ ने गए हरिद्वार आए रे। दुकान से नाथ महाराज ने बाल अवस्था में कुछ धन निकाला, सोचने लगे कि हमने सुना है रेल में बाबाओं पर भाड़ा नहीं लगता, टिकट नहीं लेनी पड़ती, आज नगन वेश किया है, छोटा सा चला कमर में धारण किया और नाथ जी कमंडल लेकर के घर से निकल पड़े हैं, होता क्या है। बाबुल करे दुकान नगर में सुनियो ध्यान लगाई है और कछुधन नाथ हमारे ने उनसे लीनो तुरत छिपाई है। आज महाराज ने पिता की दुकान से कुछ धन निकाला, अब मन में करत विचार रे लला दुर्गेश, अरे मन में करत विचार रे झूठो है संसार रे, छोड़ दया कर द्वार नाथ ने गए हरिद्वार आए रे। अरे संत को वेश बनाई रे मन में अति रसाई रे और छोड़ दया घर द्वार नाथ ने गए हरिद्वार आए रे। आज नाथ बाबा हरिद्वार में आ चुके हैं, बाल अवस्था है, ए आए गए हरिद्वार नाथ, जब मन में चिंता छाई है और का करे कच समझ न आवे कारची रघुराई है। आए गए हरिद्वार नाथ जब मन में चिंता छाई है और का करे कच समझ न आवे कारची रघुराई है। अब मन में सोच अपार रे तू ही पालनहार रे, छोड़ दयो घर द्वार नाथ ने गए अरे द्वार आए रे। समय बाल अवस्था में हरिद्वार में आए हैं,
गंगा के किनारे छोटी बड़ी संतों की झोपड़ी देखी, कुटिया देखी। एक जगह स्वामी जी वहीं आसन लगा करके बैठ गए। होता क्या है, कछु दिवस के बाद नाथ ने और अटल समाधि लगाई है। अरे कुछ यो करके आज भगवती गई सामने आई है। गंगा माँ के किनारे बैठ कर के नाथ ने जब समाधि लगाई, बाल अवस्था देख कर के अबोध बालक समझ करके माँ गंगा ने दर्शन दे दिए। होता क्या है, और गंगा ने लाई अपनाई रे, बोली माँ हर साई रे। अरे छोड़ दयो घर द्वार, नाथ में गए हरिद्वार आई रे। आज जैसे ही नाथ महाराज ने अटल समाधि लगाई, माँ भगवती का कलेजा पिघल गया। माँ भगवती सोचने लगी अबोध बालक है और आकर के दर्शन दिए, लाला मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। जो सुंदर सा रूप देखा, नाथ जी समझ गया कि माँ मेहरबा बाई को तो मैं बात छोड़ करके आया था, ये कौन है, आप कौन है माँ। गंगा मैया ने कहा मैं तुम्हारी माँ हूँ। जैसे ही माँ भगवती से नाथ बाबा ने अपने मन की बात कही, सुबह होते ही नाथ जी ने अपने जो एकत्रित वहां पर जन समूह था, जो संत भगवान थे और कुछ भक्त आने लगे थे, उनके बीच में उन्होंने कहा कि मुझे आज माँ गंगा ने दर्शन दिए हैं। आज जैसे ही सुबह जाकर के नाथ जी कहने लगे, मैया आज तेरी सूरत मेरे दिल में उतर गई है माँ, सारे जीवन में तुझे भुलाऊंगा नहीं। और जहाँ जन समूह एकत्रित है, वह पहुंच करके नाथ जी बाल अवस्था में माँ के बारे में कहने लगे। और क्या बोले, कि अब ना छुपाऊंगा, सबको बताऊंगा, तुमको कसम से माँ अपना बनाऊंगा, साचा बताए दरबार ओए माँ शेरा वाली। आज नाथ जी भक्तों के बीच में कहने लगे है, माँ मैं तुम्हें जीवन भर नहीं भुला सकता। और क्या बोले, मेरे लिए गंगा यमुना आप ही हो, ए तू ही अम्बे काली है, तू ही शेरा वाली है, ये हमने जाना मैया, तेरी जोत निराली है। आजा मात हमारी, अरे करके सिंह सवारी, अरे आजा मात हमारी, एक करके सिंह सवारी। ए जगने तू जानी है आज भगवान
मैया दिल में शमानी है करते वक्त पुकार ओए माँ शेरा वाली और क्या बोले नाथ महाराज ए भक्त तेरा अनजाना है आकर ज्ञान बताना है ओ मेरी बोली सी मैया तुझको लाज बचाना है अब का करे आवारी आजा मात हमारी अरे अब क्या करे आवारी आजा मात हमारी ए खाना संभाला है दुष्टों को तूने मां भक्तों को तारा है सबकी पालनहारी ओए मां शेरा वाली अब न छुपाऊंगा सबको बताऊंगा तुमको कसम से मां अपना बनाऊंगा महिमा या परंपार ओए मां शेरा वाली महिमा या परंपार ओए मां शेरा वाली जो अटल समाधि लगाने पर मां दुर्गा ने दर्शन दिए आज दिन हो चाहे रात हो मां आदि भवानी की उपासना करने लगे हैं करते करते हरिद्वार में नाथ जी को एक दिन मैया ने दर्शन दिए और मां ने कहा लाला बहुत दिन हो गए यहाँ पर अब ये स्थान तुम छोड़ करके कहीं द्वितीय स्थान पर जाकर के धर्म का प्रचार करो क्योंकि संत वही विचरणमयी एक जगह संत पानी गंदा हो जाता है इसी तरह से संत को पानी को रोकना नहीं चाहिए माँ की आज्ञा अनुसार संत आज नाथ जी वहां से चले हैं होता क्या है अरे हरे द्वार दयो छोड़ी नाथ अब दिल्ली में आए और यमुना माँ के तीर कछु दिन सुख से बिरमाए अरे प्रण जब ठाड़े को कीनो और गैया भगवती आए नाथ को आशीर्वाद दीनो आज नाथ जी जब दिल्ली में यमुना मैया के किनारे पहुंचे हैं भागवत प्रेमियों क्या हुआ नाथ जी ने खड़े होने की प्रण की एक पैर पर खड़े हुए माँ भगवती ने आकर के दर्शन दिए और क्या बोली भवानी अरे धन्य तुम बेटा हितकारी और करो धर्म प्रसार जगत में चर्चा होए भारी अरे बचन कह मैया रम गई है और पड़ो थड़ेश्वरी नाम नाथ की कीर्ति बढ़ गई है आज जैसे ही दिल्ली के नर नारियों ने जाना एक बाबा आकर के
खड़े होकर के तपस्या कर रहे थड़ेश्वरी के नाम से जब ये जाने जाने लगे, क्या हुआ? अरे चर्चा दिल्ली में भारी और पड़ो नगर में शोर जनता हो मढ़ रही सारी। हरी हर बोला मेरे भाई और लेबे को हर नाम नहाए गंगा है माई। आज जैसे ही महाराज दिल्ली में जाकर कई कौतक दिखाते हैं, वक्त गुजरता चला गया, भक्तों का तांता लगने लगा। महाराज थड़ेश्वरी के नाम से वहां दिल्ली में ख्याति पा गए और बहुत दिन बीत गए। वक्त गुजरता चला गया, समय गुजरता गया, आरे पारे बरस गई बीत रे कसुनियो नर नारी। एक सेठ पाए पाया रे का सुनी हुई तकारी। महाराज जोड़ कर नाथ लय ते बैठारी, भारी यकीन होई अग्नि नाथ की कर दई जय जयकार। ऐसे सुंदर सुगर महात्मा अब क्या फिर आवेंगे, ऐसे सुंदर सुगर महात्मा अब क्या फिर आवे। ये फिर आवेंगे महात्मा, फिर आवेंगे बाबा, फिर आवेंगे। ऐसे सुंदर सुगर महात्मा अब क्या फिर आवेंगे। एक सेठ ने आकर के महाराज की जब 12 वर्ष की तपस्या पूरी हो गई, बड़ा सा यज्ञ कराया है, जय जयकार नाथ की गुजरने लगी। द्वितीय पैर भी जब जमीन पर रखा है, नाथ जी वहां से भी गबन कर गए। मन का मेश्वर आगरा में कुछ समय व्यतीत किया, लगभग 5 वर्ष और इटावा के इर्द गिर्द आकर के 5 वर्ष व्यतीत की। चलते चलते भ्रमण करते हुए मलापुर के इस स्थान पर आए हैं, जहाँ पर सुना सुना सा वीरान सा स्थान पड़ा हुआ है। दाब खड़े हुए हैं, पतेल खड़ी हुई है, घास फूस काट करके नाथ ने वहीं पर स्थान बनाया। माँ ने भी आदेश दिया, बेटा अब यहाँ पर आकर के अच्छी तरह से तपस्या करो और जीवन पूरा यहीं पर करो, यहाँ पर धर्म का प्रचार तुम्हें करना है। नाथ जी आ गए, संतों का जमाव वाला होने लगा, क्षेत्र के नर नारी एकत्रित होने लगे, नाथ जी भजन करते हैं, सुबह हो शाम हो मैया की आराधना करते हैं। और श्रोताओं एक ही भजन में बात कहते हैं, कौन सी सुना? कि कर ले भजन प्रभु का बंदे, और पछित और साईं के दरबार में एक दिन जाना होगा रे। हरेक जो शरणागति भक्त आता है, नाथ जी यही समझाते हैं लाला। अरे धन दौलत और माल खजाना अब कछु काम ना आए, आ
अरे कोटी बंगले अटाया डारी तेरे यही खड़े रह जाए। दुनिया में आए जो जहां के वाली थे, सिकंदर जब यहां से गया दुर्गेश तो दोनों हाथ सब कह कह मर गए, मेरी जब वसुधा काऊ की नाए। सत्ययुग में हरिश्चंद्र भय पैदा सत्य सत्य कही, और सत्य की खातिर जाए काशी में देव बेच दही जब वसुधा काऊ की नाए। अरे भाई बंधु यार कुटुंब कबीला कोई न साथ निभाए, और प्यारी प्यारी नारी तुम्हारी द्वारे तक ही जाए। नारी भी तुम्हारी साथी नहीं है, तुम्हारा भाई भी तुम्हारा साथी नहीं है। ए आज बात तू करे कहां की, और कल पे गाना वो गारे। अरे साईं के दरबार में एक दिन जाना होगा रे। अरे करने भजन प्रभु का बंदे पछताना होगा रे, और साईं के दरबार में ये कदम जाना होगा रे। आज नाथ जी अच्छे मार्ग पर चलने के लिए सभी भक्त जनों को प्रेरित करते हैं। धीरे धीरे इन्हें गुरु का दर्जा वहां के नर नारी देने लगे, बता करके इनका भजन पूजन कीर्तन इनके सामने करते हैं। लोगों से कहते हैं जाओ अपना घर गृहस्थी का नित्य प्रतिदिन वाला काम करो जाके। नाथ जी की शरणागति में उन्हें इतना अच्छा लग रहा है, अब उन्हें भी ज्ञान का प्रकाश उनका भी जलने लगा, और गुरुदेव से बोले गुरुदेव कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव समरिया मेरे। कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा तुम दीन बंधु हितकारी हो, तुम तीन बंधु हितकारी, मैं आया शरण तुम्हारी, कट जन्म जन्म के फेरे
गुरुदेव समरिया मेरे कटो जन्म जन्म के फेरे गुरुदेव समरिया मेरे गुरुदेव समरिया मेरे गुरुदेव समरिया मेरे मेरा कोई नशारा बिन तेरे मेरे नाथ समरिया मेरे ध्यान लगाऊं मैं तो तेरा ही ध्यान लगाऊं चरण में शीस झुकाऊं गुड़गाऊं असांझ सवेरे गुरुदेव समरिया मेरे गुड़गाऊं असांझ सवेरे गुरुदेव समरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव समरिया मेरे कटो जन्म मरण के फेरे गुरुदेव समरिया मेरे वो मेरा कोई न आज बड़े प्रेम से भक्त जा करके भगवान की तरह से पूजते हैं। सदमार्ग पे चलने के लिए नाथ महाराज उन्हें प्रेरित करते हैं। दीन दुखियों का दुख दूर होने लगा, उनकी शरणागति में जाने लगे। माताएं बहनाएं जाने लगी, सोचने लगी हैं बाबा जहाँ पर ध्यान करते थे वहीं पर जाकर के परिक्रमा लगाते हैं और नाथ महाराज को प्रसन्न करते हैं। आपस में पूछती हैं बहना कहाँ ये पूजा करके आई। माता बहनाएं कहने लगी मैं मल्लापुर स्थान पर जो नाथ जी का पावन पुनीत आश्रम है वहां परिक्रमा दे करके आई हूँ, नाथ महाराज को भोजन करा के आई हूँ। और क्या बोली कि मनाए आई रे परिक्रमा दे के बाबा को मनाए आई रे मनाए आई रे परिक्रमा देखे बाबा को मनाए आई रे अरे सोने की थाल में भोजन लगाए सोने की थाल में भोजन लगाए जिमाए आई रे परिक्रमा देखे बाबा को जिमाए आई रे जिमाए आई रे परिक्रमा देखे बाबा को मनाए आई रे सोने के कड़ुआ गंगा जल पानी सोने के कड़ुआ गंगा जल पानी
ब्रह्मा देखे बाबा को पिवाई आई रे। अरे पान पचास को पीड़ा लगायो महाराज की आज मलापुर आश्रम पर जय जयकार हो रही है। वक्त गुजरता चला जा रहा है, दिन रात कीर्त बढ़ रही है। एक दिन मलापुर में मैया ने दर्शन दिए। जब नाथ को दर्शन दिए तो सुबह जाकर के नाथ अपने भक्तों को बताने लगे और नाथ जी कहने लगे कि माने दर्शन ही नहीं दिए मुझे, भरपेट रोटी मैंने और बाद में खीर मांगी मुझे खीर खिलाई। और नाथ जी का बोले लाला दुर्गेश कि मीठे मीठे चावल चबाई गई रे माँ शेरावाली। चावल चबाए गई रे शेरा वाली। नाथ ने पूछा मैया रहती कहाँ हो, नाथ ने बाबा ने पूछा मैया रहती कहाँ हो, बाबा ने अब ऊंचे ऊंचे पर्वत बताए गई रे तेरा बाले मैया। भोजन किया है नाथ ने, बाबा ने पूछा मैया भोजन किया है, बाबा ने अब लौंग सुपारी अब हलवा पूरी बताए गई रे शेरा वाली मैया। मीठे चावल चबाई गई रे शेरा वाली मैया।
नाचने लला विनीत अब शेर सवारी बताई गई रे शेरा वाली मैया मीठे मीठे चावल चवाए गई रे शेरा वाली मैया पूजा मैया वस्त्र किया है नाथ ने बाबा ने पूजा मैया वस्त्र किया है बाबा ने अब लाल चुनरिया बताए गई रे शेरा वाली मैया बताई गई रे शेरा वाली मैया मीठे मीठे चावल चबाई गई रे शेरा वाली। आज भक्तों के बीच में माँ की बात जब नाथ बाबा कहते हैं धीरे धीरे भक्तों को विश्वास हो गया बहुत समय बीत गया है आज अंत समय आने के लिए है। माँ भगवती ने बता दिया कि तुम्हारे जीवन की पूरी लीला होने को आई। इधर नाथ जी का क्या होता है सुनो। तो काल बड़ो ईमान है ए जी बिन आई नाले जो कौआ बे गेल में तो घरे जान ना दे। 23 जुलाई 2011 6:51 पर नाथ जी ने अंतिम श्वास ली और उसी दिन 23 जुलाई को दिन के 3 बजे नाथ जी को समाधिष्ट किया गया। बोल सच्चे दरबार की ये खबर जब ये लहर उनके भक्तों में फैली है तो कलेजा टूट गया। जन समूह एकत्रित होने लगा सब लोग रुदन करके कहने लगे हो क्या बोले सुना। अरे लई स्वर्ग मढ़िया डारे नाथ जी छोड़ गए भक्तन को स्वर्ग मढ़ैया दारनाथ मेरे छोड़ गए थे भक्तन को। अरे बागन ढूंढू बगीचन में ढूंढे अरे बागन ढूंढ बगीचन में ढूंढ अब कौन पड़त दिखात नाथ जी छोड़ गए भक्तन को। लई स्वर्ग मढ़ैया दारनाथ जी छोड़ गए भक्तन को। लई ये जो नया प्रोग्राम माधव कैसेट कंपनी घरोर के द्वारा मलापुर के जो सिरसागंज के पास में नाथ महाराज की ये चर्चा सुन रहे हैं इसके रिकॉर्डिंग करता है सीटू भाई और ढोलक पर संगत कर रहे हैं विनीत कुमार जी। चिमटा पर संगत कर रहे हैं हमारे दुर्गेश भाई ये खैरगढ़ से और साइकिल कर रहे हैं नीरज शास्त्री जी। मैं
श्री कृष्ण शास्त्री और बंसी वाले ग्राम कंजाहर। संपर्क सूत्र 97 58 27 62 14। स्वर्ग मढ़ैया डारनाथ जी छोड़ गए थे भगवान अरे ताल न ढूंढे तलैया न में ढूंढे अरे ताल न ढूंढे तलैया न ढूंढे अब कौन नहीं पड़त देखात नाथ जी छोड़ गए भक्त न को स्वर्ग मढ़ैया प्यार ना तो मेरे छोड़ गए थे भक्त न को अरे श्री कृष्ण है नाम हमारा श्री कृष्ण है नाम हमारा कन्या हार ग्राम हमारा अरे कन्या हार ग्राम हमारा अब गुरु बहादुर धीर बनात नाथ जी छोड़ गए भक्त न को स्वर्ग मढ़ैया चार नाथ जी छोड़ गए थे भक्त न को